राज्यपाल राम नाईक ने राजभवन में शनिवार को 3 साल पूरे किए। 3 साल पूरे होने पर राम नाईक ने अपने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मीडिया के सामने दिया। राज्यपाल ने बताया, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार शपथ लेकर आपको संबोधित कर रहा था तो आपने जनता दरबार को लेकर सवाल किए थे। इस पर मैंने कहा था कि मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, मैं राजभवन को सबके लिए खुला रखूंगा। मैंने प्रतिदिन लगभग 17 लोगों से मुलाकात की है। विधानसभा का चुनाव आप सबको मालूम है, 19 मार्च को मैंने शपथ ग्रहण कराया, उसमें प्रधानमंत्री और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए। ये इस साल का बड़ा कार्यक्रम था, पहले के कालखंड की सरकार भी मेरी ही थी। मैं पहली शपथ लेकर यहाँ से ही पत्रकारों को आपको संबोधित कर रहा था तो मुझे आप में से ही एक ने सवाल पूछा था कि क्या आप यहाँ पर जनता दरबार लगाएंगे क्या। तो मैंने कहा था कि मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा, लेकिन राजभवन सबके लिए खुला रखूंगा। तो राजभवन सबके लिए खुला रखने का 3 साल का मैं कंपैरेटिव आंकड़े भी इसमें दिए हैं और उससे ये राजभवन कितना खुला है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। के कालखंड में वह सरकार भी मेरी ही थी और दूसरे कालखंड की सरकार भी मेरी ही है, और इसलिए अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब की सरकार में क्या हुआ और अब की सरकार में क्या हो रहा है इसका एक संक्षिप्त एक साथ ही मैंने जानकारी दी है। ये सरकार भी मेरी ही है। उन्होंने कहा कि इन 3 साल में उन्होंने राष्ट्रपति को 14 चिट्ठियां लिखी, वहीं प्रधानमंत्री को 39 चिट्ठियां भेजी, साथ ही उपराष्ट्रपति को 108 चिट्ठियां और यूपी के मुख्यमंत्री को 326 चिट्ठियां लिखी।